पानीपत के इसराना हलके से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार की सभाओं में उमड़ी भीड़ से उनके समर्थकों का जोश दोगुना हो गया। पवार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें हराने वाले कांग्रेस विधायक रहे बलवीर वाल्मीकि के गांव ग्वालड़ा में हुई जनसभा में पवार के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी। गांव में पवार कंबाइन पर बैठकर आए और यहां एक के बजाय दो कार्यक्रम रखे गए थे। पानीपत की सराना विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार पूरी प्लानिंग, टाइम फ्रेम और छत्तीस बिरादरी के समर्थन और सम्मान की भावना के साथ अपने हलके के गांव में वोट का आशीर्वाद मांग रहे हैं। उनके मिलनसार स्वभाव और सादगी के कारण ही उनकी सभाओं में लोगों का हजूम उमड़ रहा है। वो अपने हलके का राउंड पूरा करने वाले हैं, इसके बाद क्या करेंगे जरा जवाब सुनिए। आज मेरे ख्याल में 100% जो 62 विलेज आज मैं कवर कर दूंगा फर्स्ट राउंड, तो सेकंड राउंड में फिर मैं सबको चाय पीने के लिए आऊंगा और मैं सभी गांव में कह के आया हूँ, जो प्यार से चाय पिलाएगा उसकी प्यार से पीऊंगा, जो अक्कड़ दिखाएगा उसकी सबसे पहले पीऊंगा। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार अपने सियासी प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार बलबीर वाल्मीकि के गांव ग्वालड़ा की जनसभा में पहुंचे। यहां वो कंबाइन पर बैठकर आए, बाद में ट्रैक्टर पर बैठे। एक के बजाय इस गाँव में दो अलग अलग कार्यक्रम रखे गए थे। दोनों ही सभाओं में भीड़ पहले की सभाओं से ज्यादा दिखी। कितना बड़ा काफला आज स्वागत के तौर पर, हमारी माताएं बहनें भी गांव के अंदर गली गलियों में गली खड़ी कर स्वागत कर रही है, तो मैं ग्वालड़ा गांव के छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ। आने वाली 5 तारीख को मैं पूरा विश्वास मुझे है कि सभी इसराना विधानसभा के सभी मतदाताओं का आशीर्वाद मुझसे प्राप्त हो चुका है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बलबीर वाल्मीकि ने बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार को हराया था, तब भी पार्टी ने कृष्ण पवार को राज्यसभा में भेज दिया। अभी राज्यसभा में उनका 4 साल का कार्यकाल बकाया है, फिर भी पार्टी ने आखिरी बार रिजर्व सीट इसराना के लिए कृष्णलाल पवार पर ही भरोसा जताया और उन्हें मैदान में उतार दिया। वैसे अभी तक के चुनाव प्रचार और हवा में कृष्णलाल पवार भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए उनके समर्थक काफी खुश हैं। पानीपत की 4 विधानसभाओं में 3 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष होता लग रहा है, जबकि इसराना सीट में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार ने समय से ही अपना जन प्रचार जनसंपर्क शुरू किया था, उसका नतीजा भी उनको मिल रहा है। खास बात यह रही कि बृहस्पतिवार को आज जब गांव ग्वालड़ा, इसराना हलके के गांव ग्वालड़ा में कृष्ण पवार का काफिला पहुंचा, तो यहां एक तरह से धमाल और धमक नजर आई। वो इसलिए भी कि ये गांव ग्वालड़ा उनके राजनीतिक प्रतियोगी बलवीर वाल्मीकि का है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। यहाँ के रश को, यहाँ की भीड़ को देखकर कृष्ण पवार के समर्थकों के हौसले बुलंद है कि जीत उनकी होगी। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, गांव ग्वालड़ा, इसराना विधानसभा।